जनदल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों आपको एक बड़ी खबर इस समय अंबाला से दिखाई जा रही है, जहां पर अंबाला के नारायणगढ़ उपमंडल के जटवाड़ गांव में बनी ओसीजी ग्रुप की शराब फैक्ट्री में के दो एथेनॉल टैंकों में जो है इस समय आग लग चुकी है। जी हां, दो टैंकों में आग लग चुकी है, जिसके बाद अंबाला व आसपास के इलाकों से जो दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं मौके पर बुला ली गई है। आग इतनी भयंकर है, दो टैंकों में आप देख सकते हैं समय भयंकर आग लगती हुई नजर आ रही है। वही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। शराब की फैक्ट्री के इस समय दो एथेनॉल टैंकों में इस समय भयंकर आग लग चुकी है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। बड़ी खबर आपको इस समय अंबाला से दिखाई जा रही है, जहां पर जटवाड़ गांव में बनी ओसीजी ग्रुप की शराब फैक्ट्री के दो एथेनॉल टैंकों में आग लग चुकी है। अंबाला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दो टैंकों में आग लग चुकी है और दमकल विभाग की गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची हुई है, उस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लाइव तस्वीर आपको इस समय जनता दल पर दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। हालांकि आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा रहा है, आग पर काबू पाने का प्रयास वहीं पर किया जा रहा है। दमकल विभाग का कहना है कि आग को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, लेकिन आग पर काबू पाने में अभी समय लगेगा। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय दिखाई जा रही है। पुलिस प्रशासन जो है मौके पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है समय शराब की फैक्ट्री के दो एथेनॉल टैंकों में भीषण आग लग चुकी है। अंबाला के नारायणगढ़ मंडल के जटवाड़ गांव में ये शराब की फैक्ट्री है, जहां पर दो एथेनॉल टैंकों में आप देख सकते हैं भीषण आग लग चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती नजर आ रही है, वहीं आग पर काबू जो है पाने का प्रयास किया जा रहा है। लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं समय अंबाला से आपको दिखाई जा रही है। आग की सूचना के बाद पुलिस भी इस समय मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही है और रेस्क्यू में मदद की जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश इस समय होती हुई नजर आ रही है। शराब फैक्ट्री के दो इथेनॉल टैंकों में आग लग चुकी है। आग लगने का भी कारणों का नहीं पता चल पाया है, लेकिन आपको लाइव तस्वीर इस समय दिखाई जा रही है। वहीं फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां इस समय मौके पर पहुंची हुई हैं और आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आग जो है आगे ना बढ़े और टैंकों में उसको रोकने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय अंबाला के नारायणगढ़ उपमंडल के जाटवाड़ गांव में बनी जो शराब की फैक्ट्री है उसमें एथेनॉल की फैक्ट्रियों जो एथेनॉल के टैंक है उसमें भीषण आग लग चुकी है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। बड़ी अपडेट इस समय अंबाला से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एथेनॉल की फैक्ट्री के जो दो टैंक हैं उसमें आग लग चुकी है। आप देख सकते हैं दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इस समय शराब की फैक्ट्री के दो एथेनॉल टैंकों में भीषण आग लग चुकी है। आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं पता चल पाया है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है समय अंबाला से, जहां पर शराब की फैक्ट्री के दो एथेनॉल टैंकों में भीषण आग लग चुकी है। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची हुई है, आग को आगे जाने से रोक रही है। वहीं आसपास और जो एथेनॉल के टैंक है उनमें आग न लग जाए, उसको स्थिति को नियंत्रित करने के लिए काबू करने के लिए समय आप दे सकते हैं आज जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं। अंबाला के नारायणगढ़ उपमंडल स्थित जटवाड़ गांव में बनी शराब की फैक्ट्री के दो टैंकों में अचानक ब्लास्ट के बाद आग लग गई। आग लगने के बाद करीब एक दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन टैंकों की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। क्योंकि तो तस्वीरें देख सकते हैं समय अंबाला से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर शराब की फैक्ट्री के दो एथेनॉल टैंकों में इस समय भीषण आग लग चुकी है। दर्जनों गाड़ियां इस समय मौके पर दमकल विभाग की पहुंची हुई है और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपको इस समय अंबाला के नारायणगढ़ मंडल स्थित जटवाड़ गांव में बनी शराब की फैक्ट्री से
नजदीक से दिखाई जा रही है, देख सकते हैं दर्जनों गाड़ियां समय जो दमकल विभाग की है वो आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है समय अम्बाला से, जहां पर शराब की फैक्ट्री के दो एथेनॉल टैंकों में समय भीषण आग लग चुकी है, आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां इस समय मौके पर पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि अचानक ब्लास्ट हो जाने के बाद आग लग गई है। आग लगने के बाद करीब एक दर्जन गाड़ियां जो है दमकल विभाग की मौके पर देखिए पहुंचती हुई नजर आ रही है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर इस समय पहुंचती हुई नजर आ रही है। शराब की फैक्ट्री के दो एथेनॉल टैंकों में इस समय भीषण आग लग गई है, ब्लास्ट हुआ है एकदम से और अचानक आग लग चुकी है। उसके बाद गाड़ियां जो है दमकल विभाग की वो मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय अम्बाला से दिखाई जा रही है, जहां पर शराब की फैक्ट्री के दो एथेनॉल टैंकों में इस समय आप देख सकते हैं भीषण आग लग चुकी है। दमकल विभाग की गाड़ियां आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। टैंकों की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत जरूर आ रही है। देखिए आप लगातार तस्वीर आपको दिखाई जा रही है जिस तरीके से दमकल विभाग की गाड़ियां जो है शराब की फैक्ट्री में लगे जो दो दो एथेनॉल टैंक है उनमें आग लग गई है, उनको बुझाने के लिए समय पहुंचती हुई नजर आ रही है। शराब की फैक्ट्री में के जो दो एथेनॉल टैंक है उनमें आग लग चुकी है, अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और आग लग जाती है, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां जो है उस आग को बुझाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीर आपको इस समय अम्बाला के नारायणगढ़ मंडल स्थित कटवाड़ गांव में बनी शराब की फैक्ट्री से आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं दर्जनों गाड़ियां आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं समय शराब फैक्ट्री से आपको दिखाई जा रही है। में जो है एथेनॉल के टैंकों में आग लग गई है, तो हमने जो है तीन गाड़ियां अम्बाला सिटी से, तो दो गाड़ी नारायणगढ़ से और तीन गाड़ियां जो है अम्बाला सदर से बुलाई है, और एक गाड़ी अलीपुर बरवाड़ा पंचकूला से बुलाई है। दो घंटे से कड़ी मुशक्कत कर रहे हैं आग बुझाने के लिए, क्योंकि फोम के टैंक ज़्यादा, ये जो एथेनॉल के टैंक हैं ये ऊँचे हैं काफ़ी, फोम प्रॉपर तरीके से गया जा नहीं रहा है। धीरे धीरे जो है आसपास के टैंक भी बचाने हैं और इस ये आग भी बुझानी है, तो टाइम लगेगा, इसमें समय लगेगा अभी आग बुझाने। सर आसपास भी कई टैंक हैं वो भरे हुए हैं एथेनॉल से या खाली हैं, क्या जानकारी? देखो ये तो कंपनी वाले ही बता सकते हैं भर रहे हैं, नहीं हम तो भर मतलब जो फायर फाइटर हैं वो तो यही सोच रहे हैं अभी भरे हुए हैं एथेनॉल होगा इनके अंदर। जिनमें आग लगी है वो कितने टैंक हैं सर? दो। कोई जानी नुकसान अभी तक? जानी नुकसान कोई नहीं है। कितना समय लग सकता है इसको बुझाने में भी? जब तक पूरा प्रॉपर फॉर्म नहीं जाएगा टैंक के ऊपर जो है तब तक नहीं, दो घंटे चार घंटे छः घंटे भी लग सकते हैं। तो फायर की एनओसी वगैरह इनके पास है? जी जी एनओसी की, नया ही प्लांट आया है एनओसी की, प्रॉपर सिस्टम लगा हुआ था। जैसे ही आग लगी तो इसके जो ढक्कन है वो ब्लास्ट हो गए, क्योंकि गैस बन, जैसे ही आग लगती है तो उसमें गैस बन गई। कारण पता लगा आग लगने का? कारण अभी पता नहीं चला, ये जाँच करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है।